मेरे जीवन का एक सपना है जो आज मैं पहली बार लोगों के सामने बांट रही हूँ। कैसा सपना बेटी? माँ, एक आदर्श PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। अब कहना तो नहीं चाहिए बहना, लेकिन कहना तो पड़ेगा। हम यहाँ प्रचार के चक्कर में लगे हुए हैं और वहाँ डॉक्टर स्नेहा माथुर ने लोगों का दिल जीत लिया। क्या कहना चाहते हैं आप? तो सड़क पर भी नहीं उतरी। ये सुकून, दवा खाना, ये लंगर, ये प्रचार से कहीं ज्यादा ऊपर की चीज है, समझ रही हो? और हम तो सिर्फ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? अरे, पब्लिक कह रही है कि तुमने अपनी खुद मट्टी पलीत करी थी रेडियो स्टेशन पर। और आप भी यही सोचते? अरे बहना, हमें पता है तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन वो जो पब्लिक है ना, उनके दिल में पाप है, वो नहीं समझती ऐसा। काश कि तुम डॉक्टर स्नेहा माथुर की तरह लोगों को कनेक्ट कर पाती। क्या कहना चाहते हैं आप? कि इस क्षेत्र के हर मतदाता को हम फोन करें? अरे, हम फोन की बात नहीं कर रहे बहना, हम तो लोगों के दिलों की बात कर रहे हैं, लोगों के दिलों में बसना। और अगर इलेक्शन जीतना है तो लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा, समझ रही हो? बाबा जी, आप ना एक के बाद एक ना मुसीबत का पहाड़ खड़ा करते जा रहे हैं। अरे, उसका कुछ हल वल निकालेंगे है? उस पर ध्यान दीजिए आप। कोई ऐसा काम नहीं है बहना जो बाबा पहलवान ना कर सकता हो, जिसका तोड़ बाबा पहलवान के पास ना हो। का तोड़ है आपके पास? पूरी दुनिया का एक रामबाण, पैसा पैसा। ऐसा है, इस चुनाव पे ना हम बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, अब हम पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। हमारे पति ने ना पैसा देने से एकदम मना कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत? उसने ऐसा बोला और तुमने सुन भी लिया? का करे, जब ना पानी सर से ऊपर हो जाए ना बाबा जी, तो चूहा भी चिचियाने लगता है। जालिम, जैसा भी था ना, लेकिन था काम की चीज। कौन होता? ये अपना दिगंबर। और कौन दिगंबर? निर्लज्ज दो कौड़ी का इंसान, आस्तीन का सांप। अरे, उसका नाम मत लो हमारे सामने। वो सब तो है, वो ये मानते हैं हम, लेकिन था एक नंबर का जुगाड़बाज। अगर वो आज होता तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करता। ऐसा है बाबा, ये बहना बहना करके ना हम आपका सब खेल समझ गए हैं। ये रिमोट अपने हाथ में रखो और हम तो चाइनीज गुड़िया हैं, और आपके इशारे पे हम नाचते रहे। अभी अभी के अभी आप हमारी गाड़ी से उतर जाइए। यही अभी? अभी के अभी उतर जाइए, नहीं तो ना हम अभी के अभी हंगामा मचा देंगे। ठीक है बहना, उतर जाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होगा। ना हो अच्छा, कम से कम महंगा तो नहीं होगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी अभी के अभी। ओके। कुछ कहना चाहते थे तुम मुझसे? भगो, ये माथुर साहब पे जो हमला हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। कल का लुटेरा आज बना है वली, 100-100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मड़ोक साहब, हमरा यकीन कीजिए, यही यही बाबा पहलवान का तरीका है। वो पहले धमकी दिलवाता है और फिर वार। क्या मतलब? साफ जाहिर है कि माथुर साहब पर यह हमला उनको घाव देने के लिए हुआ था, उनको जान से मारने के लिए नहीं। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। हम बाबा पहलवान को अच्छी तरह से जानता हूं, वो यही नहीं रुकेगा। बात यही तो समझ में नहीं आ रही है दिगंबर सिंह, कि केस हुआ, तफ्तीश चल रही है, पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग लगा नहीं, लेकिन तुम्हें जेल में बंद रहते रहते हर एक छोटी बड़ी जानकारी है। आखिर चाल है क्या? अरे मड़ोक साहब, ये कोई चाल वाल नहीं है। आपको याद है ना, आज हमसे मिलने के लिए जेल में एक आदमी आया था,
वो आदमी हमारा खास आदमी है, बिल्कुल खास। वो बस केवल नाम के लिए बाबा पहलवान के गिरोह में शामिल। ये तुम दावे के साथ कह सकते हो? जी हाँ, हम ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि वो हमले में वो भी शामिल था। उसे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, एक निहत्थे बेजान आदमी पर हमला करते हुए। तुम क्या कह रहे हो इस बात का तुम्हें जरा भी अंदाजा है दिगंबर? जी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि हम क्या बोल रहा हूं। ओ, तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कहानी अब समझ में आई है हमको। दरअसल तुम जेल में हो ही बाबा पहलवान के कारण, तो तुम्हें एक मौका मिल गया इस केस को लेकर, जिसमें नई कहानी रचकर तुम बाबा पहलवान से बदला ले सकते हो। सही है ना मढ़ोक साहब? मढ़ोक साहब, हम कोई अदला बदला लेना नहीं चाह रहे हैं। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक कर्ज है मुझ पर, जो चुकाना चाहता हूं। कर्ज? कैसा कर्ज? माथुर साहब हमारे स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने ही हमें पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि हम पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर सकें। वो बात अलग है कि हमने राह ही अलग चुनी। पर सच कहते हैं मढ़ोक साहब, उनके साथ ये सब देख के अब हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हमने पहली बार सुना है दिगंबर सिंह इस बारे में। अब आपको कैसे यकीन दिलाएं? ये लीजिए, ये देखिए, ये नंबर उसी आदमी का जो हमसे जेल में मिलने आया था। अब इसके आगे जो आपको करना है आप कीजिए, जैसे आपको जो करना। हमने सुना था दिगंबर कि बुरे से बुरे आदमी के भी दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि वो भी एक इंसान है। आज देख लिया। मढ़ोक साहब, हमको तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। हम तो बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी हमारे मास्टर साहब पे वार की, उन पे हमला किया, उन्हें कठोर से कठोर दंड मिले। उन्हें छोड़िएगा मत, बस इतना ही काफी होगा हमारे लिए। छोड़िएगा नहीं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। और नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी की और आपकी सेवा में। आज हमारे साथी हैं कंडोम बाबा, और इनके साथी हैं डिम्पा रानी। कंडोम बाबा बोले, मस्ती के हवाले बोले, डिम्पा रानी तुम भी मेरे संग बोले। मैं डिम्पा रानी, लगवा लो सुई, झूम उठे जवानी। बाबा बाबा बाबा। तो कंडोम बाबा, कहिए क्या नई खबर है? बुआ जी, आप तो जानती हैं, डिम्पा रानी और मुझ पर कुछ लोगों ने मुकदमे चलाए। लेकिन दोनों मामलों में जीत तो आप दोनों की हुई थी। जीत हमारी नहीं, हमारी नेक ईमानदारी और इरादों की हुई थी, और इसलिए हम दोनों ने मिलकर सोचा, एक और एक 11 तो दुश्मन के बजे 12। वाह 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 डिम्पा रानी, वाह क्या बात है। मगर ये होगा कैसे? कॉन्डम जी। बुआ जी, बात बड़ी सीधी है। एक विचारधारा है जो प्रगति के खिलाफ है, तो हमने सोचा उससे है हराना साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ। अरे बुआ जी, इस मौके पर हमारे पास एक दोहा लिखा हुआ है, अगर आज्ञा हो तो सुनाए। अभी और है सुनाना? तो गाना था, ये दोहा है, सुनिए। सुनिए सुनिए,
एक परला सुई तो दूजा परला कंडोम। वाह डिंपरानी जी, आप भी वाह वाह करिए। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। एक परला सुई तो दूजा परला कंडोम, जम गया परिवार की खुशियों का सामान। वाह वाह करिए। वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह शुक्रिया शुक्रिया। मुन्ना जी जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। जैसे लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना, उसी तरह मियां बीवी में भी बैलेंस और संतुलन होना बहुत जरूरी है। ये बात एकदम सही कही आपने। अच्छा कंडोम बाबा, कहिए कोर्ट में बाबा पहलवान के साथ नोक झोंक करते वक्त आपको कैसा लग रहा था? हर बार मुझे उनकी महानता का एहसास महसूस हुआ। बाबा पहलवान और महान, कितना बड़ा एहसान किया है उन्होंने इस दुनिया पर। कैसा एहसान? औलाद ना पैदा करने का एहसास। सोचो छोटा बाबा पहलवान पैदा होता तो। अरे हो जाता या हो जाती, जैसा बड़ा होता वैसे ना छोटा होता, अलग क्या होता। अच्छा डिंपा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बुआ जी, महिलाओं को ये समझाना कि उनके शरीर पे पहला हक उनका है, वरना पत्नियों को गाना पड़ेगा ये गाना, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। डिंपा रानी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है भाई? बुआ जी, एक पति पत्नी मेरे पास सलाह लेने आए। अच्छा। पति बोला, डिंपा बहन जी, हमें 2 साल तक कोई बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, तो ये तो बहुत अकलमंदी की बात की उन्होंने। मुन्ना जी, जरा आगे तो सुनिए। सुनाइए। पति बोला, ना तो मैं कॉन्डम यूज करूंगा और ना ही अपनी पत्नी को कोई सुई लगवाऊंगा। तो बताइए, मैंने भी कह दिया, देखिए भाई साहब, आप ऐसा कीजिए, अपनी बीवी को कुछ महीनों के लिए मायके भेज दीजिए, फिर ना कॉन्डम की जरूरत और ना सुई की, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बच्चा होगा ही नहीं। एकदम सही। भाई कंडोम बाबा और डिंपल रानी जी, आप दोनों की जोड़ी कमाल की है, ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। भाई दोस्तों, इन्हीं ठहाकों के साथ हम आपसे भी विदा लेते हैं। आप भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन हाँ, जाते जाते हम एक बार फिर से आपको अपना कंडोम रैप जरूर सुनाएंगे, तो सुनिए। के हवाले होले, ना कोई डर ना कोई फिकर, झूम ले कॉन्डम बाबा, बोले 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 बोले, पर डोले डोले कॉन्डम बोले। क्या बात है बेटा, आज डॉक्टर जैन नहीं आया? लगता है वो भी ऊब चुके हैं मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी, वो बस तैयारियों में लगे हैं। कैसी तैयारी? एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है। आज मैं मानवता अस्पताल के सामने एक प्रस्ताव रख रही हूँ। अरे वाह, इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से बता रही हो। बाबूजी, उसी के लिए आप दोनों का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मेरे जीवन का एक सपना है जो आज मैं पहली बार लोगों के सामने बांट रही हूँ। कैसा सपना बेटी? माँ, एक आदर्श PHC यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, जो मैं प्रतापपुर में करना चाहती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वहाँ किस तरह की सहूलियतें, साधन, कर्मी होने चाहिए, ज़्यादातर निःशुल्क या फिर बहुत कम पैसों में लोगों का इलाज होना चाहिए। बेटा, तेरा ये सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये तेरे स्वार्थ का नहीं, समाज के हित का प्रस्ताव है। हाँ, और इसमें सारी शक्तियां तुम्हें ऊर्जा प्रदान करेंगी। बस बाबूजी, आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। बेटे, तुम तो जानती हो हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमें तुम पर गर्व है बेटा। जानती हूँ बाबूजी, मगर फिर भी। स्नेहा बेटा, एक बात याद रखना, तेरे हर प्रयास में माथुर परिवार हमेशा तेरे साथ है। मेरा भी आशीर्वाद ले ले।
आप सुन रहे हैं प्रताप वाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। मुन्ना, आज सारे गांव को बता दो कि आज लाडली दिवस है, यानी हम हमारी बेटियों का जन्मदिन मनाएंगे। तो इसके बारे में तुमने क्या किया है मुन्ना? बुआ जी, जिन बच्चियों का जन्मदिन है उनके घर हमने लड्डू भिजवा दिए हैं। एक बात सुन लो गाँव वालों, बेटियाँ किसी से कम नहीं। जिस बच्ची को आज आपने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, कल वही बच्ची आपकी उंगली थाम कर आपसे कहेगी, पिताजी आज मैं डॉक्टर हो गई हूँ। मैं वकील, मैं इंजीनियर, मैं साइंटिस्ट, मैं पायलट। कोई सीमा नहीं बेटियों को, जान लो यही शक्ति, यही उड़ान, पहचान लो। वाह बुआ जी वाह, मैं तो आज यहाँ यही कहना चाहूंगा जो आप हमेशा कहती हैं, ई बात। और ई बात पे एक दोहा भी सुनाता हूँ आपको। हाँ, सुनाओ। ज्ञान करे तो ज्ञात कर, ज्ञान करे तू तब, मन में बात तभी बसे, मनोरंजन हो वो तब। वाह 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 मुन्ना, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। वो कैसे बुआ जी? आज ज्ञान नहीं सिर्फ मनोरंजन होगा। अरे वाह, लाओ ढोल पिटारा बजाना बड़ा। बबलू तू भी एक गाना बजा दे। तो ये था हमारा सुकून स्वास्थ्य केंद्र। वंडरफुल, मैंने इतना सही प्रेजेंटेशन आज तक नहीं देखा। थैंक यू सो मच सर। जिस सपने को साकार करने, हकीकत में बदलने के लिए डॉक्टर स्नेहा निकल पड़ी हैं। सुकून स्वास्थ्य केंद्र का जो प्रेजेंटेशन अभी उन्होंने दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए। ये एक क्रांति की शुरुआत है। मैं समझता हूं कि हम सब डॉक्टर स्नेहा के आभारी हैं जो उन्होंने हमें इसका हिस्सा बनाया। आप लोगों को डॉक्टर स्नेहा से जो कुछ पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। डॉक्टर स्नेहा, आपने जो हमें बताया, अगर इसे साधारण शब्दों में कहना हो तो कैसे कहेंगे? मैं इसे बस तीन शब्दों में समेटना चाहूंगी, पहुंच, उपलब्धता और ख्याल। सिर्फ तीन शब्द? वैसे ये बस एक दो और तीन शब्द हैं, पर आप इनकी संख्या पे मत जाइए, इन्हें जरा गहराई से समझते हैं। डॉक्टर स्नेहा, पहुंच शब्द से शुरू कीजिए ना। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को हर मरीज की पहुंच में होना चाहिए। हम मरीज को अपने पास बुलाएं, उससे अच्छा है कि स्वास्थ्य केंद्र को मरीज तक पहुंचाए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर छोटे से छोटे गांव में भी एक स्वास्थ्य केंद्र जरूर हो। और उपलब्धता, इसके बारे में कुछ बताइए। स्वास्थ्य सेवा सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि क्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, जाँच सेवा, दवा, ये सब कुछ एक साथ सही मात्रा में उपलब्ध हो। डॉक्टर स्नेहा, ये पहुंच और उपलब्धता शब्द तो समझ में आते हैं, लेकिन ये ख्याल शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि ख्याल की जगह चिकित्सा होना चाहिए ना। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए हम डॉक्टर्स को अपनी सोच को बदलना होगा। चिकित्सा ख्याल का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये 100% इलाज नहीं है। उसकी गहराई और महत्व तो समझ में आता है, थोड़ा और विस्तार से समझाओगी तो बेहतर होगा। हर मरीज डॉक्टर के पास सिर्फ एक उम्मीद नहीं, एक भरोसा भी लेकर आता है। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर को
चिकित्सक बनने से पहले मरीज का चिंतक बनना जरूरी है। मरीज को लगना चाहिए कि डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सेवा कर्मचारी सब उसे स्वस्थ बनाने में जुटे हैं। कोई मरीज हमारे लिए बोझ नहीं होगा, बल्कि सेवा का एक अवसर होगा। मरीज के मन में चिकित्सा केंद्र के लिए संकोच नहीं, श्रद्धा जगानी होगी। और अंत में आप सबका सहयोग और डॉक्टर जैन का आशीर्वाद चाहती हूँ। कौंडम बाबा और डिम्पा रानी ने अपनी ताकतों को जोड़कर एक और एक 11 की शक्ति की मिसाल दी। साथ ही हाथ बढ़ाना हमारे इस नारे का ये एक जबरदस्त और असरदार उदाहरण है। कौंडम और सुई एक ऐसी जोड़ी जो दंपतियों का जीवन खुशियों से भर देती है। अब फिक्र की कोई बात नहीं, ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा है। हम साथ मिलकर काम करें तो देश का हर गरीब सेहत और स्वास्थ्य के दायरे में लाया जा सकता है। सुकून स्वास्थ्य केंद्र, इसकी स्थापना में मानवता अस्पताल पूरी तरह से जुड़ गया है। आप जब किसी स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं तो आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? आप वहाँ कैसी सुविधा और व्यवहार चाहते हैं? हमें आपके सुझाव की बहुत ज़रूरत है। हमें 926899 इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। हम आपको फ़ोन करेंगे और आपकी राय जानेंगे। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती।